जय हिंद दोस्तों, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो इंडियन नेवी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि नौसेना की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया कंप्लीट जानकारी आपके स्टूडियो में दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन नेवी की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रही, कंप्लीट जानकारी आपके स्टूडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो उस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी भारतीय नौसेना की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 1365 वैकेंसी दी गई टोटल, जो पोस्ट नेम होगा अग्निवीर सोल्जर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो भी लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, जो आपको फर्स्ट ईयर सैलरी मिलेगी वो 30,000 रुपये रहेगा, सेकेंड ईयर 33,000 रुपये रहेगा, और जो थर्ड ईयर रहेगा उसमें आपको 36,500 रुपये दिए जाएंगे। जो फोर्थ ईयर रहेगा आपको यहाँ पर 40,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, प्लस आपको जहाँ पर DAP है वो यहाँ पर इसमें कटने के बाद आपको हैंड सैलरी मिलने वाली है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, वो सभी कैंडिडेट के लिए 550 रुपये पर कैंडिडेट आपको फीस पे करनी होगी। यानी कि आज UR जनरल OBC SC ST आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 550 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा। और आपको जो फीस पेमेंट करनी है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा आप उनको पे भी कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, यानी कि जो यहाँ पर आयु सीमा रहेगी UR जनरल कैटेगरी के लिए 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर, OBC कैटेगरी के लिए 17.5 ईयर से लेकर 26 ईयर, SC और ST कैटेगरी के लिए 17.5 ईयर से लेकर 28 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। और जो एज काउंट की जाएगी 15 जून तक की जाएगी, यानी 15 जून को आपकी एज न तो 17.5 कम हो न 23 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, SST वालों 5 रेट दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 रेट छूट भी आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम इस भर्ती के सिलेबस की बात करें, यानी कि जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सब्जेक्ट वाले कॉलम में आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, जनरल, GK और रीजनिंग के आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए हैं, और इन टॉपिक के आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। इनको आप तैयार कर लीजिए तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा चला जाएगा। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल टेस्ट की बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर दौड़ हाइट रहेगी, जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 52 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 50 सेंटीमीटर अगर आप कैट है तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाना है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बता देना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। जो आपका यहाँ पर दौड़ होगा, यानी कि जो आपको यहाँ पर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 1600 मीटर के लिए, यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए 7.5 मिनट का समय मिलेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट की जानकारी यहाँ पर बहुत जल्द अपडेट कर दी जाएगी। और क्या पता भी वीडियो को बाद में देख रहे हो तो एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अब बात रही आपको हमारी वेबसाइट पर किस प्रकार जाना है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाने का ये लाभ होगा, आपको यहाँ पर सभी इंपोर्टेंट लिंक्स, सभी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए। अब आपको यहाँ पर गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, नेवी रिक्रूटमेंट 2023 1300 प्लस आपको यहाँ पर इतना टाइप कर देना है। आपको यहाँ पर यूनिक फ्रेंड्स वाली वेबसाइट ओपन करनी होगी, इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने यहाँ पर यही वाला पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। सबसे पहले फोटो और सिग्नेचर, जो आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं दो दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है तब भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप यूआर एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दे देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देनी होगी, यानी आपको यहाँ पर 10 की मार्कशीट अगर आप देते हैं तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, होगा दो डाइट नापी जाएगी, रिटन एग्जाम होगा यानी कि ऑनलाइन आपको यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, और इसके बाद से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर मांगा गया है उसकी जानकारी मैं को नोटिफिकेशन में ही दे पाऊंगा। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सभी दिशा और निर्देश भी बता दिए गए। कैसे आपको हमारी वेबसाइट पर आना है उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है। करने बाद आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए आपने 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है तो उसी का आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। कैप्चर कोड आपके सामने हर बार नहीं आएगा, सेव पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का इंग्लिश नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगी। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। अग्निवीर की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आपकी जो यहाँ पर एज लिमिट रहेगी 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1365 आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती कंप्लीट जानकारी आपको नोटिफिकेशन में चेक कर लेनी है, और कंप्लीट जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी दी गई है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और जिस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी उसकी जानकारी आपको यहीं पर दी गई है, आप वो भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपने अगर आपने यहाँ पर 10+2 पास किया पीसीएम के साथ तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, और उससे आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस से भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।